नमस्कार दोस्तों, एग्रीसाइड किक चैनल की तरफ से मेरा आप सभी को नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फर्टिलाइज़र से संबंधित कुछ डेटा और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो जेट, प्री पीजी, पीएचडी और आईबीपीएस, एएफओ वगैरह, एनएससी और भी एफसीआई वगैरह की वैकेंसियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया रैंक सेकेंड इन वर्ल्ड फर्टिलाइज़र कंजप्शन। तो भारत का फर्टिलाइज़र उर्वरकों के मामले में, भारत उपभोग के मामले में यानी कि उनका प्रयोग करने के मामले में दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने वाली कंट्री चाइना है और चाइना के बाद इंडिया यूज़ करता है। टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन है 55 मिलियन मैट्रिक टन। और हाईएस्ट फर्टिलाइज़र यूज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडिया में किन क्रॉप्स में यूज में होते हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र फूड ग्रेन क्रॉप्स में होते हैं, 67.10%, यानी 67.10% फर्टिलाइज़र फूड ग्रेन की क्रॉप्स में, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, इन फूड ग्रेन जो भी खाने की क्रॉप्स होती हैं उनमें काम में लिया जाता है। अगला है मार्जिनल होल्डिंग हाईएस्ट फर्टिलाइज़र यूज़। तो दोस्तों मार्जिनल होल्डिंग हाईएस्ट फर्टिलाइज़र यूज़ है 188 kg पर हेक्टेयर। अब मैं आपके लिए कुछ प्रेस कर रहा हूँ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन डेटा। तो एसएसपी है 3.91 मिलियन मैट्रिक टन, अमोनियम सल्फेट है 0.69 मिलियन मैट्रिक टन, अमोनियम क्लोराइड है 0.04 मिलियन मैट्रिक टन, यूरिया है 4.65 मिलियन मैट्रिक टन, कॉम्प्लेक्सेस है 8.24 मिलियन मैट्रिक टन, टोटल है 41.56 मिलियन मैट्रिक टन। स्टेट इन टोटल कंजप्शन ऑन फर्टिलाइजर, राज्य कौन सा उर्वरकों के उपभोग में कौन सा राज्य सबसे आगे हैं? तो सबसे ज़्यादा उर्वरकों के उपभोग में यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल उर्वरकों का 17.5% उत्तर प्रदेश यूज करता है, महाराष्ट्र 11.1%, मध्य प्रदेश 7.6%, गुजरात 6.9%। अब है डबलिंग्स ऑफ फार्मर्स इनकम। तो यह एक स्कीम है किसानों की आमदनी दुगुना करने की। तो इसमें सेवंथ पॉइंट स्ट्रेटेजी है, टारगेट 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 1984। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है और यह एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो हॉर्टिकल्चर के मिशन के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या। इसकी फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कि अब बदलते परिवेश में युवाओं का कृषि के प्रति रुझान कम हो रहा है, उसके संदर्भ में यह स्कीम लॉन्च की है 16 जुलाई 2015 को। तो इसका पर्पस है अट्रैक्ट रूरल यूथ फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एंड सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी रूरल गांव के जो युवा हैं उनको एग्रीकल्चर और उससे जुड़े विभिन्न उद्योगों में उनको उनकी रुचि को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। नेक्स्ट है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इस 12 जनवरी 1981 कोच्चि में शुरू किया गया था। ये कोकोनट उधर साउथ की तरफ में ज़्यादा होता है, तो कोकोनट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 12 जनवरी 1981 को कोच्चि में शुरू की गई। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, यानी कि अपने जितना खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं उसका कितना प्रतिशत यूज होता है और कितना प्रतिशत लॉस हो जाता है, चाहे वोलेटाइलेशन से हो, चाहे डीनाइट्रिफिकेशन से हो, चाहे किसी से भी हो। बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में सोइल एप्लीकेशन में 30 से 50% फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, और इन केस ऑफ फर्टिगेशन में नाइट्रोजन उर्वरकों की 95% फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है। फॉस्फोरस की जब सोइल में अप्लाई करते हैं तो इसकी 20% एफिशिएंसी है, और फर्टिगेशन में करते हैं तो 45%। वही पोटेशियम की सोइल एप्लीकेशन में 50% फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, जबकि फर्टिगेशन में 80%। अगला है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडियन सॉइल। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारतीय मृदाओं में कमी के मामले में सबसे ज़्यादा जिंक की कमी है, लगभग
36.5% यानी अराउंड 40% के आसपास माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक भारतीय मृदाओं में कम है। बोरॉन 23.4%, आयरन 12.8%। तो ये थे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी भारतीय मृदाओं में कमी है। नेक्स्ट है कस्टमाइज फर्टिलाइजर। तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर एरिया एंड क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर आर कॉल्ड कस्टमाइज फर्टिलाइजर। तो ये एक इस प्रकार के फर्टिलाइजर है जिनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि यहाँ जोधपुर में या जयपुर में या उदयपुर में जिन पोषक तत्वों की कमी है उसके अनुसार उसको अपन तैयार कर सकते हैं, उसके बाद उसमें सोयल में या फिर क्रॉप को दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वाइज नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O यूज रेशियो। तो इन तीनों पोषक तत्वों के यूज करने के मामले में सबसे ज़्यादा पंजाब है, जिसमें नाइट्रोजन 25.8, P2O5 5.8 और K2O 1, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जबकि टोटल कंजप्शन में सबसे ज़्यादा यूपी है फर्टिलाइजर के मामले में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान है, इसमें मैंने ऊपर हाईएस्ट पहले पंजाब को कर दिया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा उर्वरकों के रेशियो के मामले में सबसे आगे राजस्थान स्टेट है। तो राजस्थान में 34.4 अनुपात 12.6 अनुपात 1, उसके बाद में पंजाब है, और पंजाब के बाद में हरियाणा है, और हरियाणा के बाद में तमिलनाडु है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इम्पोर्ट एंड सेल। तो दोस्तों इनका प्रोडक्शन और इम्पोर्ट, तो यूरिया का प्रोडक्शन है 21.82, DAP का है 3.41, NPK का है 8.33, MOP का कोई प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, और इसका इम्पोर्ट है यूरिया का अपन आयात करते हैं 7.12, DAP का 6.23, NPK का 0.48, और MOP लगभग पूरा पूरा आयात करते हैं 3.81। 100% डिपेंडेंसी इन MOP बिकॉज MOP प्रोडक्शन इन इंडिया 0, सेकेंड 33% DAP। नेक्स्ट है यूरिया एंड DAP इंडिया प्रोडक्शन सेकेंड रैंक। यूरिया और DAP के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। 1 kg ऑफ नीम कोटेड यूरिया की रुपये लगभग 5.63 रुपये अप्रोक्सीमेट है। आजकल बाजार में नीम कोटेड यूरिया ही मिल रहा है। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये नीम कोटेड यूरिया देना शुरू किया है। अब NPK कंजप्शन kg पर हेक्टेयर में पिछले कुछ 2009-10 से लेकर 17-18 तक के डेटा दे रखे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर NPK कंजप्शन 2010-11 में हुआ था, 142, उस 2009-10 में उसके बाद 140 kg प्रति हेक्टेयर यूज किया था, बाद में 2013-14 और 14-15 में कम किया वापस, लेकिन 2015-16 में वापस थोड़ा एवरेज बढ़ा दिया 134 kg पर हेक्टेयर, 16-17 में 130 kg और 17-18 में 134 kg पर हेक्टेयर यूज़ किया। NPK यूज रेशियो विद टाइम, तो 2017-18 में नाइट्रोजन 6.1 अनुपात 2.5 अनुपात 1 के संदर्भ में यूज किया है। तो ये दोस्तों फर्टिलाइजर के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए जेट प्री पीजी PhD और IBPS AFO वगैरह अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो गए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर हिट करते रहिए। थैंक यू।